वेलकम। तो आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास टेंथ का मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे, फिर इसका हल निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर यदि आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आगे देखिए, सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग इस थर्ड दे रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग दो देख चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, अगर यदि आप नहीं देखें तो हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या सीखे थे पिछले वीडियो में और अभी सीखे थे, तो यहाँ देख लीजिए कि जो 4x जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × 1/x और यहाँ 1, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसको फिर यदि हम लोग गुणा करेंगे तो सेम आ जाएगा प्रोसेस, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसको ऐसे बनाइए। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, तो मानिए माना 1/x उसमें रखने पर तो क्या हो जाएगा, वहां पर रखने तो जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, वहां पे 1/x तो 4 हो जाएगा प्लस 3y जैसे करते रहेगा और ये हो जाएगा आपका 14। तो इसको मान लीजिए समीकरण 3। फिर आगे क्या है कि इसमें जो है 3 और यहाँ पे 1/x का मान ये हो गया, तो ये रख दिए, माइनस 4y है बराबर है 10। इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब आप इसको किसी भी विधि से बनाइए, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या फिर वर्गीकरण विधि, किसी से बनाइए, आपका आंसर जो आएगा सेम आएगा सबसे। तो हम लोग इसको यहाँ चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा देखते हैं हम लोग। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है कि कोई भी समीकरण से ले लेते हैं, यहां लिखते हैं हम लोग समीकरण 3 से, 3 से ले लिए तो क्या हो जाएगा आपका ये जो है 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14, ये हो गया आपका। इसको रहने दीजिए 4a को, इधर हम लोग इसको उधर भेजेंगे। ठीक है, तो 3y को तो इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस में, तो इधर जाकर हो जाएगा माइनस में 3y और a बराबर क्यों रहने देंगे, ये 4 डिवाइड में उधर जाकर क्या हो जाएगा, मतलब इधर गुणा में उधर जाकर भागम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4, ऐसे हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण 5, ऐसे मान लिए। अब a का मान जो है, जो हमारा समीकरण 3 और 4 है, इसमें से हम लोग इससे लिए हैं यहाँ पे, तो 4 में हम लोग रखेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे a का मान समीकरण 4 में रखने पर। अब ए का मान रख देते हैं, तो देखिए ए का मान रखेंगे तो क्या, 4 3 ए है, पहले समीकरण यहाँ लिख देते हैं, 3 ए है माइनस 4y बराबर 23 ए है। अब यहाँ पे ए का मान रखेंगे, यानी कि ए के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 माइनस 3y बटे 4 और फिर जो है आपका बिल्कुल जो सेम इक्वेशन रहेगा ये 4y। ठीक है, बराबर 23 ऐसे रख दिए। आगे देखिए इसको यहाँ आप सॉल्व गुना कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा आपका 14 दिया 42 माइनस 3 दिया 9y, क्योंकि एक बार इससे गुना करना है, एक बार इससे गुना करना है और यहाँ पे नीचे तो 4 है, 4 रख दिए। ठीक है, माइनस 4y ऐसे हो गया, बराबर हो गया 23, ये हो गया। अब आगे हम लोग यहाँ देखते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग। ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि अब इसी को इक्वेशन को जो है वहां पे सॉल्व करके फिर से देखिए, ये जो किया 42 हो गया। ठीक है, और माइनस 9y, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ऐसे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया नीचे हमारा, आ गया 4, और जब 4 से ऊपर लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 16y होगा ऐसे, है कि नहीं, और फिर बराबर में 23 है तो 23 रहने दीजिए ऐसे। आगे देखिए क्या करना है, आगे करेंगे कि ये जो है 42 और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन तो माइनस मार देगा, माइनस रहने दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 16 और 9 होता है 25y, ऐसे हो गया, और इसको उधर भेज देंगे। ठीक है, यानी कि 23 गुना इधर भागम उधर जाकर गुना हो जाएगा, गुना हो गया 4, ऐसे लिखे। आगे देखिए यहाँ पे 42 हो जाएगा माइनस 25y और इधर कितना हो जाएगा 23, जो कितना होता है 92। ठीक है, इतना हो गया।
अब देखिए ये 42 इधर माइनस में प्लस में उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में होगा यहाँ पे वाई हो सॉरी बिल्कुल के अंदर ये तो यहाँ पे देखिए माइनस 25 वाई बराबर उधर हो जाएगा 92 माइनस 42 ठीक है तो हो गया माइनस 25 वाई बराबर इधर कितना हो गया 50 यानी कि वाई बराबर क्या हो जाएगा इधर ये गुणा में है तो उधर जाकर क्या होगा भागा में यानी कि 50 बटे माइनस 25 25 दूनी 50 और ये माइनस में आ गया 2 इसका आपका आंसर ठीक है तो वाई बराबर कितना निकला y बराबर आपको कितना निकल गया माइनस 2 ठीक है। अब y का मान जो है सबसे पहले हम लोग समीकरण किसी में 3 या 4 में रखेंगे उसके बाद हम लोग जो माने हैं उसमें बैठाएंगे ठीक है। तो y का मान हम लोग किसी में रखते हैं आपको इसमें रखना मन कर लो उसमें रखिए चलिए फिर रखते हैं ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है देखिए 3 में रखते हैं तो 3 हमारा क्या है 4 ये है तो 4 ये रखेंगे प्लस 3 है तो 3 देंगे और यहाँ पे है वाई की जगह हम क्या रखें 2 माइनस 2 रख दिया इसे ठीक है बराबर ये आपका जो है 14 आगे देखिए 4 ओ सॉरी तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर ये हो गया आपको 14। अब यहाँ पे देखिए केवल ए हम लिख रहे हैं ए लिखेंगे तो ये 14 हमारा पहले से ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और ये 4 जो आपका गुणा में इधर आके भागम हो जाएगा यानी कि ए बराबर आपका कितना निकल जाएगा यहाँ पे देखिए इसका ए बराबर आगे कितना निकलेगा ए बराबर जो 20 हो गया वहां पे और नीचे 4 हो गया इस 4 को काटेंगे तो 4 बचे 20 ए बराबर 5 निकला ठीक है ए बराबर कितना निकल गया 5। अब हम लोग जो माने थे क्या माने थे क्योंकि यहाँ लिखेंगे क्योंकि 1/x बराबर a होता है ठीक है तो यहाँ पे x का मान हम लोग यहाँ से निकल जाएगा 1/x बराबर 5 ठीक है। अब इसलिए होगा x बराबर क्या हो जाएगा आपका ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 5x बराबर 1 तो x बराबर चलिए पूरा दिखा देते हैं 5x बराबर 1 इसको ऐसे गुणा कर दिए ठीक है तो x बराबर आपका कितना निकल गया 1/5 क्या निकल गया हम लोग यहाँ देखें x बराबर क्या निकल गया आपका 1/5 और y बराबर आपका कितना निकल गया -2 यही हमारा खाता था आंसर होगा ठीक है। ये यहाँ पे आप लोग समझ ली बात को यहाँ पे हम y का मान समीकरण 3 में रखें अगर यदि ये मान आप लोग अगर यदि 5 में रख दीजिएगा तो बिल्कुल a का मान एक लाइन में आ जाएगा ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं ठीक है 5 में रख के तो ये था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको बना लिया अब फिर आगे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 4 फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।